किशोरी से दुष्कृत का आरोपी दरोगा निलंबित, पास्को एक्ट के तहत हुआ मामला दर्ज। देशभक्ति जनसेवा का पाठ पढ़ाने वाला पुलिस का दरोगा ही जब रक्षक की जगह भक्षक बनने लगे तो औरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। मामला मऊगंज थाने के दरोगा का है जिस पर जबरिया दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। प्रथम दृष्टया आरोपित दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में बताया गया है कि पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा इन दिनों मऊगंज थाने में पदस्थ हैं। आरोप है कि उप निरीक्षक महेंद्र ने पहले प्रेमजाल में एक युवती को फंसाया और उसके झूला स्थित घर पर आने जाने लगे। पीड़िता युवती की मां की माने तो 4 दिन पहले दरोगा महेंद्र रात में 2 बजे आया और मेरी बेटी को ले गया, जहां उसने अपने साथ एक लॉज में रखे हुए था। पीड़िता की मां का कहना था कि उसने सिटी कोतवाली थाना रीवा से मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं सुनी। एसपी साहब से जब बताया तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। इस मामले में जब एसपी ने पूछताछ बढ़ाई तो यह सच्चाई सामने आई कि उक्त दरोगा ने पीड़िता को अपने साथ जबरदस्ती रखे हुए हैं। बाद में पीड़िता ने इस मामले में मऊगंज में ही रिपोर्ट लिखाई। बाद में पीड़िता किशोरी को पुलिस अभिरक्षा में रीवा लाया गया, जहां सबसे पहले उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पीड़िता को इसके वन स्टॉप सेंटर नेहरू नगर में रखा गया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रथम दृष्टया उप निरीक्षक महेंद्र मिश्रा को दोषी पाया गया है और पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में आरोपी दरोगा महेंद्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह को सौंपी गई है। इस मामले में पीड़िता युवती की मां ने रीवा दर्शन को आपबीती सुनाते हुए बताया कि मेरी बहन खत्म हो गई थी, मेरे घर महेंद्र मिश्रा जाते थे इंक्वायरी में, जो कि हमारे घर में मेरी माँ मेरी बच्ची रहती थी। मैं एक छोटी सी ऐसे दुकान में काम करती थी, मैं रीवा में रहती थी, जो कि मेरे बच्ची से नंबर लेके इसने उससे बात करते थे और रात रात मेरे घर आते थे, मेरे बच्ची के साथ में रात भर रहे, हम लोगों को बिड़वा दे अंदर। इसके बाद मैंने इनको मना किया तो मुझे बोलते थे किसी से अगर तुमने बताया तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हारे पति जैसे तुमको भी अंदर कर दूंगा। फिर हमारे बच्ची इसी के कहने में, जो कि 2 बार सुसाइड की, 1 बार फांसी लगाई, 2 बार मेडिसिन खाई है, घर का कहना बताना एक भी नहीं मानी है। आज 4 दिन से होगा मेरे बच्ची को लेने आया था, 3:30 बजे लेके गया है रात में। फिर इसके बाद मुझे कोई पता नहीं, हर रिलेशन में मैं पता लगाई तो मेरी बच्ची कहीं नहीं। कल मुझे मऊगंज थाना से फ़ोन आया कि आपकी बच्ची मऊगंज थाने में महेंद्र मिश्रा के साथ में किसी होटल में है, लाज में। तभी मुझे पता चला तो मैं सिटी कोतवाली गई तो हमारी सिटी कोतवाली में कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई। इसके बाद मैं एसपी ऑफिस गई तो एसपी सर जो थे मीटिंग में कोई थे, फिर महानिरीक्षक के यहाँ मैंने दिया आवेदन दिया। इसके बाद मैं घर चली गई, घर से मुझे रात के मऊगंज थाना में बुलाया गया। मुझे पता नहीं था कि मऊगंज थाना कहाँ है, मैं अकेले थे इसलिए मैंने वहाँ नहीं जा पाई। एकाध दो पुलिस वाले हैं जो मुझे दबाव दे रहे हैं कि तुम अब राजीनामा हो जाओ, कुछ मत करो। एक कोई त्रिपाठी करके हैं, संजय गांधी में है, उसमें रहते हैं, जीएमएच में रहते हैं, और एक अभी यहाँ के पुलिस वाले हैं, वो बता रहे थे। शादी करने को 2 साल बोला कि 2 साल 18 की पूछ जाएगी तब मैं तेरे से शादी करूँगा। जब देखो तो उसको यही कहता कि मैं तू मेरी दुल्हनिया है। 24 घंटा फ़ोन में देखी तो बात करता था, घर मेरे 3-3, 2-2 बजे रात मिलने आता था, जो कि मैं कहवाई भी थी कि पुलिस मेरे घर रोज़ ना आए। डीएसपी ऑफिस में मैं कहवा दी थी, फिर भी ये 2 पहिया से जाता था, कम से कम 10 मीटर पहले गाड़ी खड़ा करे फिर मेरे घर आए। मेरे घर में कोई नहीं रहता था, मेरी माँ, मैं रहती थी, मेरे बच्चे। क्या बच्चे के साथ नाजायज संबंध रखा? नाजायज संबंध रखा है, सब कुछ किया है, उसकी लाइफ खराब कर दिया पूरी। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं इसको जितनी से जितनी हो उतनी सजा मिलना चाहिए। ऐसा जो है एक युवती के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है, ये सब इंस्पेक्टर हैं महेंद्र मिश्रा, उनके ऊपर जो है आरोप लगाए, अब इसमें जो है मुकदमा कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।